चार कर्मागत सम संख्या का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सम संख्या हो रहा था, उसमें विषम संख्या था तो डायरेक्ट आपका निकल जाता था, इसमें सम है फिर भी उसको उसी तरह से निकालेंगे हम। दो दो जैसे चार है ना, एक दो और एक दो, हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे देखिए चार कर्मागत सम संख्या का योग 36 है, 36 में अगर हम चार से भाग देते हैं 9 आ जाता है, यहाँ पे 9 आ गया। अब सम का गप है तो एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 10, एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो सम का गप है, दो दो घटेगा तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 10 2 12। तब बोल रहा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हमारा क्या हो गया 10 हो गया आंसर। दूसरा हम देखिए, छह कर्मागत सम संख्या का योग 102 है, 102 का गप हो रहा है 6 है, तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, हम बीच में आवेंगे जो भी आवेगा। तो 102 में हम 6 से भाग दे दिए, 6 एकम 6 4 4 6 7 42, मतलब आ गया 17। अब 6 कर्मागत है तो 17 तो सम नहीं होगा, 18 होगा सम, फिर 2 बढ़ेगा 20 हो जाएगा, यह हो जाएगा 22, फिर इसमें 1 घटेगा तो हो जाएगा 16, फिर 2 घटेगा 14 हो जाएगा 12। हम सबसे छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी हमारा हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा सबसे छोटी 12। तीसरा सवाल देखिए, चार कर्मागत विषम संख्या का 72 है, 4 है तो 2 इधर 2 इधर, हम बीच में आएंगे। चार कर्मागत विषम संख्या 72 है, 72 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 4 8 32, ये 18 हो गए तो सम हो गया, तो विषम बनावे लग बढ़ाएंगे इधर 19 और 21, और एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 और 15। तो हमसे मांग रहा है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी हो गया 21। छह कर्मागत विषम संख्या का योग 180 है, 6 गो 1 2 3 इधर 3 इधर, हम आवेंगे 20 में, तो हो जाएगा आपका 6 गो का है 180, 180 में 6 से भाग दीजिए, 6 3 18 0 30 हो गया, 30 सम है, हमको लाना है विषम, तो 31 हो जाएगा विषम, 2 और बढ़ा दीजिए 33 हो जाएगा, यह हो जाएगा 35, इसमें घटाइए 29, तो 27 और 25। तो मांग रहा है क्या चौथी संख्या, तो 1 2 3 चौथा में क्या आ जाता है आपका 31, आपका चौथा संख्या क्या हो जाएगा 31, यह हो गया आपका आंसर। वर्गों के योग पर आधारित, जैसे वर्ग का योग दे दिया आपको, जैसे 1 पे स्क्वायर दे दिया 2 पे स्क्वायर दे दिया 3 पे स्क्वायर दे दिया, पहले डॉट 80 पे स्क्वायर दे दिया। जब भी स्क्वायर वाला इस तरह का फॉर्म निकालना होता है, इसके लिए फार्मूला का आप यूज कीजिएगा, योग का फार्मूला n(n+1)(2)(n+1)/6, इस पर आपका सबसे सवाल बन जाएगा। एन लास्ट संख्या क्या हो गया 80, यहाँ पर रख दीजिएगा 80 एन के जगह पे, फिर क्या हो गया 80, 80 81, मतलब 80+1, फिर है 2n, मतलब 2 × 80 + 1 = 6, 80 81 80 + 160 161। अच्छा कटा दीजिए 3 × 6 6 × 3 = 21, 2 से कटा दीजिए 40 बार। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 61 × 27 × 40, 161 4 × 9 27 हो जाता है, अब गुना कर सकते हैं, 4 × 4 = 4 4 × 4 = 2 4 × 6 3 × 9 है, अब इसको कर सकते हैं 4 × 2 = 3 × 6 = 18 19, इसको 10 से गुना करने का तरीका, 9 से गुना करने कितना हो जाएगा 9 0। हल्का बनाइए आपको, जैसे कि 1 पे स्क्वायर हो गया 2 पे स्क्वायर हो गया 3 पे स्क्वायर हो गया, आप इसी को निकालने के सीखिए। तो जैसे आप ऐसे भी जर्नली करिएगा, हो जाएगा 1 2 3 4 3 3 9 होगा 9 4 13 1 14। अगर वही फार्मूला पे रखिएगा n(n+1)(2)(n+1)/6 रखिएगा, तो आपका हो जाएगा n के जगह 3 हो जाएगा, फिर 3 × 1 = 4 हो जाएगा, फिर 3 × 6 = 7 हो जाएगा, 7 × 6 हो जाएगा, तो 3 × 6 = 2 × 4 तो हो गया आपका 7 × 2 = 14 हुआ। इसी तरह जैसा कि आप दूसरा सवाल इस पर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 1 स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर हो गया
तीन स्क्वायर हो गया प्लस चार स्क्वायर हो गया, तो फिर एन क्या हो गया, चार हो गया आपका। ये फार्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। तो देखिए यहाँ एन की जगह चार रखना है, चार फिर चार एक पाँच हो जाएगा, फिर चार दूनी आठ एक नौ हो जाएगा, नौ बाय छः, तीन दूनी छः, तीन तीन नौ है ना, दो से दोगुनी चार तो आपका हो जाएगा, पाँच से पंद्रह दिन तीस हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर रहा कि अगर मान के चलिए कि आपका दे दें ठीक बीस पे स्क्वायर, इक्कीस पे स्क्वायर, बाईस पे स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट सत्तर पे स्क्वायर, तो हम पहले एक से सत्तर तक निकालेंगे। किससे निकालेंगे, एक से लेके हम लोग सत्तर तक का निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा फार्मूला के अनुसार, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, तो एन हमारा क्या हो गया सत्तर, क्या हो जाएगा फिर सत्तर प्लस एक, फिर हो जाएगा दो गुना सत्तर प्लस एक व छः, तो आपको हो जाएगा सत्तर, सत्तर एक इकहत्तर, सतनी चौदह एक सौ इकतालीस। अच्छा अब देखिए चार एक पाँच एक छः, मतलब तीन से कटेगा, तीन चौके बारह, तीन सतह इक्कीस, तीन दुनी छः, फिर से पैंतीस बार में। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो गुना आपका आ जाएगा, आपका इस सब मिला करके एक सौ सत्तर तक आप जब निकलिएगा तो आपका गुना आ जाएगा वो 1167 95 आ जाएगा। फिर आपको घटाना है, 20 तक लिए हैं, अब हमको इसमें 19 तक घटाना है, क्योंकि 20 से चालू, हमको 20 से 70 तक चाहिए, तो हमको एक से ले करके 19 तक घटाना होगा। फिर वही फार्मूला लीजिए, इसमें भी 19, अभी हो जाएगा 19 प्लस एक, फिर 19 प्लस गुना दो प्लस एक व छः, आपका हो जाएगा 19, 19 एक 20 और 19 अड़तीस एक 39 बाय छः, तीन एक तीन, तीन तीन नौ, तीन दूनी छः, दो से 10 बार में। अब इसको आप गुना कीजिएगा, एक से लेकर के 19 तक का जब आप गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2470। आपको घटा देना है 116795 में 2470 को, 5 9 में 7 गया 2, 7 में 4 गया 3, 6 में 2 गया 4, 1 1 आपका हो जाएगा 114325। ये आपका आंसर हो गया।